आपके एक्सपीरियंस में जो फैमिली डायनेमिक्स है उनका क्या रोल होता है, फैमिली डायनेमिक्स क्या रोल प्ले करता है जुनाइल्स हैं उनके मेंटल वेलबींग की तरफ या उनके मेंटल वेलबींग के लिए? बिल्कुल, फैमिली डायनेमिक्स का मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। आप एक बात देखिए, अगर घर में एक ही बच्चा है तो उसको नहीं एहसास होगा कि दूसरे भाई बहन के साथ उसका क्या अफेक्शन होता है, क्या इमोशंस होती है। तो एक तरह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। मदर फादर उसके काम कर रहे हैं, कोई बहिवान है नहीं उसके, भाई बहन के साथ उसके है नहीं, तो वो उसका एक इमोशनल जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जब किसी भी बच्चे के इमोशंस डेवलप नहीं होगी तो जी वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उसको होगी। तो ये हम पहले, आप देखो कि हमारे समाज में पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, जी दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब रहते थे, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती थी। वहां बच्चे को टाइम नहीं था गलत संगत में पढ़ने के लिए, वो अपने परिवार में कजन्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इतना इन्वॉल्व रहता था कि उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती नहीं थी। अब ये जो हमारे छोटे परिवार होने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिली जो होने लगी हैं, उससे बच्चों में हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी है। तो जो एक फैमिली का डायनेमिक्स है वो भी किसी हद तक जिम्मेदार है बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए और फर्दर डेलिकेंसी में इन्वॉल्व हो। तो जो आप कह रहे हैं कि एक जब बड़ा परिवार होता था, ज्यादा सदस्य होते थे, तो कोई ना कोई आपको सुनने वाला होता था। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती थी तो जो हम सुना देते थे या अपनी फीलिंग शेयर कर देते थे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाती थी और वो मतलब हमारे मतलब माइंड में स्ट्रेस नहीं होता था, है ना। और एक जो एंगर वाली बात है, वो एंगर भी निकालने के लिए अगर हम अपनों के बीच में एंगर निकालते भी थे, थोड़ी बहुत निकाल भी देते, तो वहाँ डाइल्यूट चीज़ें हो जाती थी और वो क्राइम का रूप नहीं लेती थी। ये है कहने का मतलब। जी हाँ, तो इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो ज्वाइंट फैमिली रहती है उसमें एक हायरार्की ऑफ सुपरविजन होता था। जी दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, अपने पेरेंट्स हैं, तो बच्चे ने अगर कोई गलती की भी है तो वो उसकी एक्सपोज हो जाती थी। उसको एक फियर साइकिल से रहता कि भाई मैंने अगर गलती की, कोई गलत काम किया तो मुझे घर में डांट पड़ेगी, तो कोई ना कोई घर वाला उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लेता था। जी तो जो मैं हायरार्की ऑफ सुपरविजन की बात कर रहा हूँ वो अब खत्म हो गई है, अब सिर्फ पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या वो अपने काम में इन्वॉल्व है तो बच्चा अकेला हो जाएगा, वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता कई बार। जी तो ये फैमिली डायनेमिक्स का मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट असर होता है, एज आई थिंक। जी